नमस्ते दोस्तों, मस्त मस्त मसाला रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कुंजा चाय। यह चाय सर्दियों में काफ़ी फायदेमंद रहती है। एक टुकड़ा कुंजा मिश्री जो धागे वाली होती है, दो छोटे टुकड़ों में दालचीनी, एक हरी इलायची, एक लौंग, दो चुटकी काली मिर्च पाउडर, एक चुटकी सौंठ पिसी हुई, एक छोटा टुकड़ा मुलेठी, एक छोटा टुकड़ा अर्जुन छाल ऐसी बड़ी भी मिलती है, पिसी हुई भी मिलती है। यह है पंसारी की दुकान में आपको आसानी से मिल जाती है। थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, ताजी गुलाब की पत्ती, अगर आपके पास ताजी ना हो तो आप सूखी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ी सी सौंफ, तुलसी पत्ते, आधा आंवला। बर्तन ले लेंगे, उसमें 4 कप पानी डालेंगे, पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। अब इस पर ढक्कन लगा देंगे। एक उबाल आए तब हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, सौंठ, मुलेठी, अर्जुन छाल, सौंफ, साबुत धनिया, गुलाब की पत्तियां, धनिया पत्ती, पुदीने की पत्तियां, तुलसी के पत्ते, आंवला को हम ग्रेट कर लेंगे। यह चाय पीने से सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। गले में खराश हो जाए तो आप इस चाय को ज़रूर पीजिए। इस चाय को पीने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 10 मिनट तक हम पकने देंगे। जब तक पकने देंगे 2 कप पानी न रह जाए, फ्लेम को लो ही रखेंगे। एक बार चम्मच से मिला देंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा सा ढक्कन खुला रखेंगे, फिर लास्ट में हम ऐड करेंगे मिश्री। फिर चम्मच से मिला देंगे, कुल मिला के 10 मिनट तक हमें लो फ्लेम पे पकाना है। यह देखिए पानी आधा हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें।
अब चाय को छान लेंगे। चाय को कप में डालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इस चाय को सवेरे सवेरे ज़रूर पीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।